अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आउटकम मिला। आउटकम पहला ये मिला कि सीओपी जो है कैरनॉट की, है ना, चाहे वो कैरनॉट की सीओपी मतलब चाहे वो रिवर्स कैरनॉट हो, चाहे वो कैरनॉट साइकिल मतलब इंजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, हीट पंप, सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? दे डिपेंड्स ओनली ऑन द, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। मतलब समझ पा रहे हो, जो सीओपी हमने लिखा है ना, ये आपका सीओपी है ना, रेफ्रिजरेटर का मैं ले रहा हूं, ये आया था टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल, यही तो आया था। क्या ये डिपेंड करता है, जैसे मैं पूछूं कि तीन रेफ्रिजरेटर है ना, ये आपका टीएच है, या दो रेफ्रिजरेटर लेते हैं, कोई मतलब नहीं, समझना पड़ता है हमें, यहां से टीएल है, यहां से हीट एब्जॉर्व कर रहे हैं, यहां पर हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, और यहां पर वर्क इनपुट है रेफ्रिजरेटर का, ये आर है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें ना इसमें अल्कोहल भरा हुआ है, इसमें क्या है, अल्कोहल, ठीक है, और एक रेफ्रिजरेटर है जिसमें हमने क्या भर के रखा है, पेट्रोल भर दिया, गैसोलीन, ठीक है, यहां पे सपोज करो गैसोलीन है, ये टीएल हो गया, ये टीएच हो गया, ये आर हो गया, यहां पर भरा है गैसोलीन, चलो बढ़िया, गैसोलीन भर देते हैं डब्ल्यू आर, ये वन है, ये टू है, लेकिन अगर टीएच टीएल बराबर रहा ना, तो चाहे इसमें अल्कोहल भर लो, चाहे गैसोलीन भर लो, चाहे आइडियल गैस भर लो, चाहे स्टीम भर लो, जो मन करे सो भर लो, क्या भरते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका इट इज, दिस इज इन टेम्परेचर लिमिट्स। तो यही लिखा हुआ है कि कैरनॉट सीओपी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर लिमिट्स, मतलब टीएच एंड टीएल ओनली, ये वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कहीं पर कि हमारे पास दो कैरनॉट साइकिल्स हैं जिनका टेम्परेचर लिमिट सेम है, अब आप ये बताओ मुझे कि एक में अल्कोहल है, दूसरे में गैसोलीन है, तीसरे में आपको केरोसिन आयल है, चौथे में कोई और आयल है, आप ये बताओ कि चारों में एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी, तो चारों की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी, चारों की एफिशिएंसी क्या होगी, सेम होगी, जब तक उनके टेम्परेचर लिमिट सेम हो। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर होगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कि इट गिव्स द मैक्सिमम थ्योरेटिकल सीओपी, इट गिव्स द मैक्सिमम थ्योरेटिकल सीओपी बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, कितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, वो हमारा टीएच अपॉन टीएल से ज्यादा, मतलब जो हमारा सीओपी कैलकुलेट हमने किया इससे सीओपी से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम सीओपी जो हो सकता है, मैक्सिमम थ्योरेटिकल सीओपी, वो वही हो सकता है रेफ्रिजरेटर का टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल और हीट पंप का टीएच अपॉन टीएच माइनस टीएल, ठीक है। तो दिस इज थ्योरेटिकली द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फाइनाइट, ये बहुत बड़ा बात है, यहां पर समझिए, ये समझिए क्या रेफ्रिजरेटर का बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है रेफ्रिजरेटर का सीओपी, कहोगे कि सर रेफ्रिजरेटर का सीओपी तो टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल होता है, वेरी गुड, ये होता है, समझ पा रहे हो। अब बात आती है कि टीएल की क्या वैल्यू हो सकता है, लो टेम्परेचर है ना, व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूं, थ्योरेटिकली बोल रहा हूं, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जीरो केल्विन, बोलो, और टीएल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दिस इज मिनिमम वैल्यू, टीएल की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, कहोगे सर जो मिनिमम वैल्यू है वो तो जीरो केल्विन है, मैक्सिमम वैल्यू टीएच के बराबर हो सकता है, बोलो, मिनिमम वैल्यू जीरो केल्विन, मिनिमम वैल्यू जीरो केल्विन, मैक्सिमम वैल्यू टीएच के बराबर हो सकता है, देख लो, तो टीएल के बराबर जीरो रख दो, टीएल बराबर जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, जीरो बटे टीएच माइनस जीरो, और यहां से क्या मिला, जीरो, तो सीओपी हमारा क्या है, जीरो, कब, जब टीएल जीरो है, व्हेन टीएल बराबर जीरो, ठीक है, और सीओपी फिर से कैलकुलेट करो, सीओपी रेफ्रिजरेटर की कब, जब टीएल बराबर टीएच हो, तो टीएल ऊपर रख दो और टीएच की जगह पे क्या रख दो, टीएल और माइनस टीएल, तो ये क्या आ गया, टीएल बटे जीरो, तो क्या आ गया, इन्फिनिट। एक्चुअली नहीं बच्चा, ये थ्योरेटिकली बोल रहा हूं मैं, थ्योरेटिकली ध्यान रखना, तो और इनफाइनाइट पॉसिबल है क्या, कभी नहीं, किसने कहा था, क्लासियस साहब ने, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था ना, वहां पे क्लासियस मैंने क्या बोला था कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप अ डिवाइस जो कि इंजन जो कि साइक्लिक प्रोसेस पे ऑपरेट कर रहा है, जिसका जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट लेके जाए बिना किसी इनपुट के,
फिर मैंने कहा था इसका मतलब यह हुआ कि सीओपी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, लेकिन थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं, तो मैंने लिख दिया इसका लिमिट कहां है, जीरो से इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो? अच्छा अब बोलो हीट पंप का कहां होगा? अरे यार अगर आपको पता है कि सीओपी ऑफ हीट पंप बराबर 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो जीरो में एक ऐड कर दो और इसमें भी एक ऐड कर दो, तो 1 प्लस 0 ये 1 हो जाएगा और इनफाइनाइट प्लस 1 ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? रेफ्री हीट पंप का एक से ज्यादा होगा, हीट पंप का सीओपी एक से ज्यादा होगा रेफ्रिजरेटर के, तो जब रेफ्रिजरेटर का सीओपी जीरो है तो हीट पंप का सीओपी एक होगा, तो इसका जीरो से इंफिनिटी, तो हीट पंप का कितना होगा, वन से इंफिनिट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, थ्योरेटिकली द सीओपी ऑफ हीट पंप वेरीज फ्रॉम, पक्का कहां से, वन से इंफिनिट, पक्का। अब देखो, टू अचीव मैक्सिमम सीओपी TL should be as high as possible while TL should be as low as possible। ये बहुत दमदार चीज है। देखो COP क्या था, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, बोलो बच्चा TL अपॉन TH माइनस TL। अब यहां से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, दो चीजें पूछ सकता है। देखो 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 ध्यान से, TL क्या होना चाहिए, हाई। जब TL ज्यादा होगा ना, तो एक तो न्यूमिरेटर तो बढ़ेगा बढ़ेगा, डिन्यूमिरेटर घटेगा, अब ये भी बढ़ेगा ये भी घटेगा, तो बहुत तेजी से सीओपी बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? देखो टीएल बढ़ने से ये बढ़ गया और ज्यादा घटने से ये वाला पूरा घट गया, तो रेशियो बढ़ गया। कहोगे बढ़िया है सर, दूसरा क्या तरीका है, टीएच जो है वो कम होना चाहिए। देख लो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में टीएच की वैल्यू कम होना चाहिए, तो टीएल अपान टीएच माइनस टीएल। जब टीएच घटेगा ना बच्चा, जब ये टीएच घटेगा ना, तो ये डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, देखो टीएच हमारा घट रहा, ठीक है, तो टीएच हमारा क्या होना चाहिए, द टीएच शुड बी एज लो एज पॉसिबल, ठीक है, तो टीएच की वैल्यू हमारा क्या है, घट रहा है, तो ये डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का हर घट जाएगा, तो पूरा जब डिन्यूमिनेटर घट जाएगा तो पूरा हमारा टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन इसमें कम बढ़ेगा, इसमें हमारा क्या बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर है कि नहीं, जब टीएल बढ़ा था टीएल की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, टीएच की वैल्यू कम होना चाहिए। मतलब सिंपली मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू कम होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल्टा टी बराबर टीएच माइनस टीएल कम होना चाहिए, ठीक है। तो जिसका इसका टेम्परेचर डिफरेंस कम है उसका सीओपी ज्यादा, उसका सीओपी ज्यादा। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो जो विंडो एसी यूज करते हो ना, जो विंडो एसी यूज करते हो, देखो विंडो एसी यूज करते हैं, तो विंडो एसी में क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर है ना, देखो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग। ये देखिए, अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर जो आपने अभी तक पढ़ाया है सीओपी जो आया है, सीओपी रेफ्रिजरेटर का टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल, अभी तक तो आपने इसको क्या बताया है, ये किसके टेम्परेचर है, तो अभी तक मैंने बताया था कि टीएच हमारा क्या है, सोर्स का टेम्परेचर अभी तक, लेकिन नहीं, टीएच एंड टीएल आर टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ध्यान से समझिए, टीएच इज टेम्परेचर, टेम्परेचर लिख दे रहा हूं, दिस इज टेम्परेचर ई, टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड, ठीक है, टीएल क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड। वो कहोगे सर ये तो बड़ा उल्टा हो गया, अभी तक तो आप इसको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कहते थे, कहता था क्योंकि आइसोथर्मल हीट एडिशन था मेरे भाई, तो जब आइसोथर्मल था तो जो सोर्स का टेम्परेचर होगा, यहां से देखो यहां से, और ये जो सिंक का टेम्परेचर होगा, ये टीएल मैंने कहा था, ये टीएल नहीं है, टीएल वो है जो इसके अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है, ये अंदर इस फ्लूइड का टेम्परेचर है टीएल, और जो यहां पे मूव कर रहा है फ्लूइड उसका टेम्परेचर है टीएच। कहोगे कि सर इन दोनों में अंतर है क्या, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ऐड करोगे तो इसका जो टेम्परेचर होगा वही इसका टेम्परेचर होगा, और यहां पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ऐड करोगे तो जो इसका टेम्परेचर होगा वही सोर्स का भी टेम्परेचर होगा। तो इस नाते रिवर्स कैरनॉट में इसको लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बट
TH एंड TL आर द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड, वो टेम्परेचर सोर्स और सिंक के टेम्परेचर नहीं है। बाय डिफॉल्ट रैंकाइन और कारनॉट में दोनों सेम होता है क्योंकि आइसोथर्मल हीट एडिशन कर रहे हो, समझ पा रहे हो। अब इसका मीनिंग कहोगे कि सर इससे क्या मतलब, ये क्या कह रहे हो, क्या दोनों में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। अब समझते हैं हम एक्चुअली कैसे। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए ये देखिए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, बहुत ध्यान से एकदम समझिएगा, एकदम बहुत अच्छे से समझिएगा। ये देखिए ये एम्बियंट है ना, देखो ध्यान से समझो, ये कंडेंसर था, ये हमारा कंप्रेसर था। चलो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम लोगों ने वीसीआर नहीं पढ़ा है, तो रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। चलिए देखिए, अगर सपोज करिए रूम का टेम्परेचर चाहिए -5 डिग्री सेल्सियस, मैं समझ रहे हो, मैं रूम में लगा रहा हूं, तो रूम का टेम्परेचर मुझे -5 डिग्री सेल्सियस है। तो कहोगे सर ये -5 है तो कहीं यहां होगा, ठीक, -5 डिग्री सेल्सियस। कहोगे अच्छा, अब बताओ मुझे कि रूम का टेम्परेचर, जो क्वाइल आया होगा, जो इवेपोरेटर है ना, ये इवेपोरेटर की क्वाइल है, ये इवेपोरेटर का क्वाइल है, और ये है बच्चा रूम जिसमें आप हो, ये रूम है। अब बताओ मुझे रूम का मतलब, अब ये क्या कर रहा है, यहां से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर ये एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेशन कर रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एब्जॉर्ब, देखो यहां से हीट को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, यहां से हीट एब्जॉर्ब करना है। तो जो रूम का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर जो कि -5 डिग्री सेल्सियस हमने माना है, -5 डिग्री सेल्सियस मैंने माना है, तो इसके क्वाइल में जो फ्लूइड है, इसका टेम्परेचर -5 से कम होगा कि नहीं होगा? अरे यार, अगर इसको +5 मान लोगे तो हीट यहां से यहां आएगा, उल्टा हीट थोड़ा ना जाएगा। इसको 5 मान लोगे मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा मान लोगे तो इधर हीट आएगा। तो क्या करो, इसको करो, इसको 5 नहीं मानो, क्या मान लो भाई? चलो कोई कहेगा सर ऐसा करते हैं ना, इसको -5 मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, कैरनॉट बन जाएगा, आइसोथर्मल हीट एडिशन। चलो बढ़िया है, फिर क्या करो, इसको मान लो -10, इसको मान लो -10, तो ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगा। आप कहोगे कि सर इसमें ये बताओ कि मुझे TL -5 है कि TL -10 है, आप तो कंफ्यूज हो गए। TL एंड TH सोर्स और सिंक के टेम्परेचर नहीं है माय डियर, ये हमारे किसके टेम्परेचर है, फ्लूइड के टेम्परेचर है। अगर दोनों में अंतर है तो किसका टेम्परेचर लोगे, फ्लूइड का टेम्परेचर लिखोगे, कहोगे TL की वैल्यू सर -10 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे, समझ पा रहे हो, दोनों में अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखो एक्चुअली में साइकिल को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, देखिए ध्यान से, साइकिल को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, ये -5 वाली लाइन है बच्चा रूम का टेम्परेचर, और ये क्या है, ये है गधा TL, ये क्या है TL, ये समझ पा रहे हो ना, ये -10 डिग्री सेल्सियस, ये -10 डिग्री सेल्सियस, बढ़िया। अब ये साहब गए इनके पास, ये गए घूम घूम के इनके पास, इन्होंने कहा कि ऐसा है रूम का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक का जो टेम्परेचर है जिसे हम लोगों ने TH बोल दिया था, इसको हमने सपोज करो 40 डिग्री सेल्सियस मान लिया, बाहर गर्मी हो रही थी, 40 डिग्री सेल्सियस मान लिया। कहोगे कि सर अगर मैं इसको 38 कर दूं इस क्वाइल के टेम्परेचर को, अबे हीट इधर से इधर लेके जाना है, ये तो उल्टा आने लगेगा, तो 38 नहीं हो सकता। कहोगे कि सर 40 कह दूं, ठीक है 40.001 कह दो, तो हीट इस तरफ जाएगा। कहोगे कि सर ऐसा एक्चुअली में देखा जाए तो 40 नहीं होना चाहिए, 40 से ज्यादा होना चाहिए, सपोज करो 60 होना चाहिए, समझ पा रहे हो, तभी तो 60 से 40 में हीट ट्रांसफर जाएगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो एक्चुअली में देखा जाए बच्चा ना, तो जो ये TH है ये 60 डिग्री सेल्सियस है,
यही तो वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर है, जबकि एम्बियंट टेम्परेचर कितना है? कहोगे सर एम्बियंट टेम्परेचर जो मैं बार बार टीएच बोल रहा हूं वो मैं गलत बोल रहा था। नहीं गलत नहीं बोल रहे थे, वो आइसोथर्मल था इस नाते बोल रहे थे, वो गलत नहीं था। लेकिन अगर आइसोथर्मल नहीं हुआ तो एक्चुअल के कंडीशन में क्या होगा? एक्चुअल के कंडीशन में ये बच्चा होगा 40 डिग्री सेल्सियस, ये -5 डिग्री सेल्सियस, और ये -10 डिग्री सेल्सियस, और ये 60 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हो कि नहीं? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। तो टीएच और टीएल किसको लोगे? वर्किंग फ्लूइड के टेम्परेचर लोगे, ना कि सोर्स और सिंक के टेम्परेचर लोगे, पक्का। और इतना टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, इतना टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हीट ट्रांसफर होने के लिए। क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कहोगे कि सर ये तो रेफ्रिजरेटर वाला आपने बता दिया, हीट इंजन वाला बता दो। हीट इंजन में क्या होगा? हीट इंजन में देख लो, देखो हीट इंजन का क्या कंडीशन है, देखो हीट इंजन का क्या कंडीशन है, यहां पे देख लो। दोनों साथ में रहेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। ये देखो, कहोगे कि सर एक फर्नेस था, फर्नेस जहां से हीट में ले रहा था, यहां पे वर्किंग फ्लूइड था, ठीक है, और यहां पे मैंने इंजन लगाया। अरे यार मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं, लो ये लो ये लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये आपका टीएल हो गया। ओके सर जो इसमें फ्लूइड घूम रहा था ना, ये फ्लूइड जो सोर्स था सपोज करो 700 डिग्री सेल्सियस पे था, तो फ्लूइड का टेम्परेचर उससे कम होना चाहिए, फ्लूइड का टेम्परेचर कम होना चाहिए। क्यों? तभी तो हीट आएगा यार। तो मैंने मान लिया कि 650 डिग्री सेल्सियस किसका है? फ्लूइड का टेम्परेचर, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 680 मान लेता हूं, ठीक है। तो कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है? 20 डिग्री सेल्सियस। आप कहोगे कि सर इसमें टीएच किसको लूं? सोर्स का टेम्परेचर? नहीं गधा, गलत हो जाएगा। किसका लोगे? फ्लूइड का टेम्परेचर। अब देखो इंजन है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ये देखो क्लॉकवाइज मैंने बना दिया, ये देखो, ध्यान से समझो कुछ, अब एकदम डाउट बिल्कुल नहीं। तो यहां देखो ये वैल्यू जो हो गया, ये वाला वैल्यू किसका हो गया? ये वैल्यू एक्चुअली टीएच की वैल्यू देखो, ये टीएच होगा ना, ये तो टीएच होगा, मैं यहां लिख देता हूं। टीएच की वैल्यू कितना है? टीएच की वैल्यू बताओ 680 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब समझ ही रहे हो, डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ। और ये वाला क्या है? ये है फर्नेस का टेम्परेचर, ये है फर्नेस सोर्स का टेम्परेचर जो हीट दे रहा था, और इसकी वैल्यू है कितना? 700। अच्छा ये इसके पास आएंगे। अब देखो अगर इसको एम्बियंट में फेंक रहे हो जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे है, तो फ्लूइड का टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तभी तो ये हीट को बाहर रिजेक्ट कर पाएगा। तो एम्बियंट का टेम्परेचर अगर 40 है बच्चा, एम्बियंट का टेम्परेचर 40 है तो रहने दो, भले ये सिंक था, लेकिन टीएल अब सिंक का टेम्परेचर नहीं है, वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर है। तो वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर कितना होगा? अरे 40 है तो मैंने माना 60 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा बच्चा कितना हो गया? 60 डिग्री सेल्सियस। कितने का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस का। यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 20। समझ पा रहे हो? ये किसका हो गया? ये हो गया हीट इंजन, और ये किसका हो गया मुन्ना? ये हो गया रेफ्रिजरेटर। ये क्या हो गया? रेफ्रिजरेटर। मेरे ख्याल से अब आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर होगा कि क्यों टीएच और टीएल वर्किंग फ्लूइड के टेम्परेचर है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली किसके लिए है? कैरनॉट साइकिल। इससे ज्यादा कैरनॉट में कुछ चीजें नहीं है, ये हमारा मैक्सिमम सीओपी देता है। ये आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये 100% सीओपी देता है, ये गलत है। 100% सीओपी देता है ये बहुत गलत बात है, ठीक है। क्या देता है? मैक्सिमम सीओपी। साडी कैरनॉट साहब से पूछा गया कि भैया जो आपने थ्योरेटिकल इंजन बना दिया इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? उन्होंने कहा कि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी होगी, लेकिन जब टेम्परेचर लिमिट सेम 100% होगी, ये गलत बात है, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। टीएच अपॉन टीएच माइनस टीएल की जो वैल्यू आएगी वो सीओपी हो जाएगा हीट पंप का,
और एफिशिएंसी निकालोगे तो टीएच माइनस टीएल अपन टीएच कर लोगे, वहां से जो एफिशिएंसी निकलेगी, लेकिन वो 100% होगी ये नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि मैक्सिमम होगी। अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है कि सर इसकी जरूरत क्या है? अरे यार आपको उसेन बोल्ट की जरूरत क्यों है? हर कोई चाहेगा कि उसेन बोल्ट बने, है ना, बहुत तेजी से दौड़े। आपको कंपैरिजन के लिए उसेन बोल्ट चाहिए, है ना, देयर शुड बी सर्टेन। मैं उसेन बोल्ट सर का इस नाते बोलूं कि आपको कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइज कंडीशन चाहिए कि मुझे उनके जैसा बनना है, बस वही ये है। कैन नॉट साहब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, लेकिन इनकी जरूरत बहुत है। क्यों? जिससे कि हम अपने साइकिल को उनके तरफ पहुंचा पाए और अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाए। तो ये फायदा है कैनॉट साहब के होने का, ठीक है।